नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम खजुराहो से 105 किलोमीटर दूर भीमकुंड विजिट करने के लिए आए हैं। हमें यहां पहुंचने में लगभग 2.5 घंटे का टाइम लगा है और ये जगह छतरपुर से लगभग 78 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। तो अगर आप छतरपुर से आएंगे तो लगभग आपको 1.5 घंटे का समय लगेगा। भीमकुंड के बारे में एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन कुछ ऐसी है कि अंदर जाके हम एक ऐसा जियोलॉजिकल मिरेकल देखेंगे जिसके बारे में साइंटिस्ट आज तक पता नहीं लगा पाए कि मिरेकल कैसे हो रहा है। ये रास्ता है कुंड के नीचे जाने का। अच्छा, ये तो कितने स्टेप्स हैं? ये जो है सर जी, मतलब 80 सीढ़ी हैं। 80, और इसके बाद जो है जल स्रोत में अपन को मिल जाता है वो कि यहाँ पर भरा हुआ है कुंड। यहाँ पर ये सीढ़ियाँ ऊपर कहाँ जा रही है? ऊपर वैष्णो भीमा देवी का मंदिर है जो कि स्वामी जी महाराज ने वहाँ पर जो है 2003 में देवी जी की प्रतिष्ठा की थी, वही मंदिर है। इसके नीचे से अपन लोग जो है नीचे जाते हैं। ये बहुत बड़ी चट्टान है जी। बहुत बड़ी चट्टान है, मतलब एक ही शिलप है इसमें, मतलब किसी ने काटा तोड़ा नहीं है। जो भी आप देख रहे हैं ये पूरा नेचुरल है, प्राकृतिक है। पंडित जी, इसका तो पानी का रंग ही बहुत अलग है। जी सर जी, नीला है एकदम, जो है नीला पानी ही है। पहले मतलब नीलकुंड नाम से भी जाना जाता था। पानी का ये रंग मैं सच बताऊं अपने मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा, इतना नीला पानी। अच्छा, छोटी छोटी मछलियां हैं यहाँ पर? जी मछलियां भी हैं इसमें, बहुत सारी मछली हैं। वैसे तो एक एक डेढ़ डेढ़ क्विंटल की भी मछली इसमें नीचे रहती है, वो ऊपर नहीं आती है। नीचे कोई भी मतलब इसमें जल में अपन सिक्का वगैरह छोड़ते हैं तो नीचे जाते हुए दिखता है, एकदम क्लीन दिखता है कि वो जा रहा है नीचे तक। बहुत जहाँ तक अपनी गहराई में नजर जाएगी वहाँ तक वो दिखता है। ऐसे ही पानी मतलब जो भी बरसात में, बरसात भी होती है उस समय जो है जल वगैरह यहाँ बह के आता है, लोग स्नान भी इसमें करते हैं, लेकिन ऐसे ही इसका कलर रहता है, कभी गंदा नहीं होता सर। बहुत बढ़िया। वहाँ पे वो क्या गुफा है कुछ? जी वो नहीं, गुफा नहीं है वो, मतलब इसकी कुंड की ही उधर वो गहराई गई है, वो मतलब इसके नीचे नीचे वो मतलब पत्थर के नीचे वो जल भी भरा हुआ है उधर। जितना थोड़ी जानकारी जो मेरे पास है, बाकी आप हमें कंफर्म करिएगा, वो ये है कि आज तक कोई इस कुंड की गहराई का पता नहीं लगा पाए, कुंड कितना गहरा है, पानी का सोर्स क्या है, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। सही है। मतलब सर जी 2006 में जब इंडोनेशिया में उधर नेपाल में भूकंप आया था, उस समय सुनामी लहरों के समय मतलब यहाँ पर भी पानी में हलचल हुआ था। करीब 10-15 फीट पानी जो है ऊपर नीचे हुआ, लहरें आई नीचे, जैसे सुपारी सिक्का वगैरह जो है पत्थरों पर सधे रहते हैं, उस उबाल जब पानी की आई तो ज़ोर ज़ोर से जब उबाल आने लगी तो ऐसे सिक्का वगैरह सब ऊपर आ गए थे, पानी एकदम मटमैला हो गया था, पानी 15 फीट जो है ऊपर तक आ गया था। तो यानी जो पानी का लेवल ये है, ये लेवल है 15 फुट और ऊपर, ऐसे सीढ़ियां सामने वाली पूरी कवर हो गई। जी पूरी कवर हो गई थी गुफा में, मतलब पानी ऐसे जाने लगा था ऊपर, गुफा के वो दरवाजे हैं। इसका स्रोत वैसे गंगा जी से मान सकते हैं सर जी, क्योंकि इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। जल की विशेषता है कि मतलब जैसे गंगा जल अपन प्रयागराज जी में जा करके जल भर करके रखते हैं, तो ऐसे ही इसका जल अपन बाटल में सैकड़ों साल जो है हजारों वर्ष तक भी रखा रहे तो कभी उसमें कीड़े नहीं पड़ते। और विशेषता है सर जी, मतलब जो कि श्वास वगैरह, जैसे किसी को श्वास चलती है, किसी को शरीर में चर्म रोग आदि है, तो उसका जो है जल का इसका सेवन करने से, इसमें स्नान वगैरह करने से जो है ये भी ठीक होता है। अच्छा जी सर, आपने अच्छी बात बताई। और हमें किसी ने ऐसा बताया कि लोक कथा जो है उसके मुताबिक ऐसा कहते हैं कि जब भी पांडव अज्ञातवास के दौरान जगह जगह जा रहे थे तो उस दौरान वो लोग यहाँ पर भी आए थे और उनको प्यास लगी, तो प्यास लगने पर यहाँ पर कहते हैं भीम ने गधा मारा था। यही स्थान है, क्योंकि भीम में हजारों लाख हाथियों का बल था। तो ये जो ऊपर यहाँ पर कहते हैं गधा मारा था, इसी जगह से गधा का प्रहार, जिससे कि ये कुंड बना। और क्योंकि पाताल तक, पाताल फूट गया सीधा। कल हमें किसी ने बताया था जब हम खजुराहो में थे तो कि कुछ साल पहले यहाँ पर किसी की डेथ हो गई थी पानी के अंदर, तो उन्होंने मुंबई में अप्रोच करके वहां से कुछ गोताखोर बुलाए थे जो नीचे जाके डेड बॉडी को निकाल सके, और वो लोग ऐसा कहते हैं कि 300 मीटर नीचे तक गए थे। 300 मीटर तक सर वो लोग नीचे गए हैं, ऐसा हमने भी सुना है। उस समय बहुत समय पुरानी बात हो गई, तो मतलब वो लोग नीचे जा करके उन्होंने 300 मीटर के बाद में बहुत गहराई उनको मतलब मिली,
और उस समय मतलब जो कि पानी का प्रवाह बहुत तेज है ऐसा उन्होंने बताया कि इसमें फिर अंग नीचे तक जाने का उनका क्षमता नहीं। कैमरा लगा के देखा रहेगा, कैमरा लगा कर सब। ये तो अद्भुत चीज है, अद्भुत जगह है। और सर अंदर मंदिर में हो जाइए तो अंदर मछलियां चल रही हैं यहाँ पे। हाँ वो कोई भाग जाएंगे तो है? हट जाएंगे, वो नहीं काटती नहीं है तो। चलो बगल में पकड़ के वैसे पंडित जी जी ये बड़ा क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि पूरा जो ये बड़ी सी चट्टान है वो सीधी कटी हुई है। जी जी। और जैसा वो हम बात कर रहे थे ऊपर चट्टान है वहां से कटना स्टार्ट हुआ और नीचे तक गया। हाँ हाँ अच्छा वही है सर। गजब। देखते हैं कि कॉइन हम कितना गहराई तक देख पाएंगे। ये जो पत्ती है ना सेंटर वाली, इन दो पत्तियों के बीच में जिससे कि सेंटर में अच्छे से देख सके, ये क्या कॉइन दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, अभी तक दिख रहा है। 5 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड तक मैं कॉइन को देख सका हूं ऑलमोस्ट, उसके बाद नहीं दिखाई दे रहा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे गहराई बढ़ती जाएगी। जी सर। है ना, गजब। ऊपर देखो बीच में यहाँ पेड़ भी लगा हुआ है, अति सुंदर, अति। अभी मैं वापस आ जाता हूँ। हाँ जी। थोड़ा जीन्स मेरी गीली होगी लेकिन चलो सूख जाएगी, उसका कोई मैटर नहीं है। लेकिन जो हमने ऊपर से देखा है ना वो तो जीवन भर के लिए यादगार बन गई है। जी सर आइए, गुफा का दरवाजा है यहाँ। गुफा के रास्ते से हम आपको बताते हैं कि अंदर बहुत इसी मतलब इसी गुफा से पांडव लोग निकल करके यहाँ से निकल करके पांडव फाल जो पन्ना घाटी में मिलता है इसी गुप्त रास्ते से निकल करके पांडव लोग गए हैं जो कि आपको हम बता रहे हैं। तो आज की तारीख में कोई किसी ने तो जाके कोशिश करी होगी ना अंदर जाने की? बहुत मतलब अंदर तक जाते हैं लेकिन बहुत मतलब कहीं बैठ के जाना पड़ता है, कहीं लेट के जाना पड़ता है, बहुत संकीर्णता रास्ता है। तो कितने मीटर अंदर तक कोई जाके आज तक किसी ने देखा? 10-20 मीटर तक तो लोग गए हैं। जब आप इस रीजन में ट्रैवल कर रहे होंगे तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। मैं डिस्टेंसेस आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। पंडित जी आपका धन्यवाद। जय श्री महाराज। मंदिर के बाहर ही ढाबा है। समय बचाने के लिए ना हमने इनको 10 मिनट पहले बोल दिया था कि हमारे लिए आप आलू परांठा तैयार कर दो। टमाटर की चटनी दी है और साथ में इन्होंने एक हमें अचार दे दिया। वेरी गुड। गर्म एकदम। सामने सामने पराठा बन रहा है। मैंने देखा सामने ये वुड फायर पे पराठा तैयार कर रहे हैं। देखो बोलने को तो ये टमाटर की चटनी है लेकिन इसका सही नाम होना चाहिए मिर्च की चटनी है। मिर्ची तेज है। टमाटर की चटनी की जगह मिर्च की चटनी है और टमाटर थोड़ा सा डला हुआ है, ऐसा लग रहा है। मिर्ची तेज है लेकिन एक बात बोलूँ, किसी भी तरह से मेरे को दही या मक्खन की कमी महसूस नहीं हो रही। आमतौर पे क्या है मेरी आदत आलू पराठा मैं मक्खन के साथ पसंद करता हूँ, दही के साथ भी करता हूँ लेकिन चटनी के साथ मैं पसंद नहीं करता। बट यहाँ पे मैच अच्छा है, हल्की सी चटनी लगा के अच्छा स्वाद आ रहा है, तीखापन मजबूत है। भैया हमारे को ना आप एक चाय भी दे दीजिए। ठीक है, समय बांध दिया, इसे छोटा शब्द नहीं बोलूंगा मैं। अभी मैंने गूगल मैप्स में चेक किया, दतिया रेलवे स्टेशन अगर मैं डायरेक्ट भी जाता हूँ तो यहाँ से 4.5 घंटे का रास्ता और 9:45 तो ऑलरेडी बच चुके हैं। हमारी 3:40 की वहाँ से गाड़ी है तो अब कुछ करना पड़ेगा बीच का हमें टूर प्लानिंग में एडजस्टमेंट। काम करते हैं थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करते हैं और हम छत्रसाल म्यूजियम विजिट कर लेते कम समय के लिए, एटलीस्ट कुछ ना से भला है कि कुछ तो देख लें।
तो ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि हमें मेन रूट से ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, ऑलमोस्ट मेन रूट में थोड़ा 2-4 किलोमीटर की डाइवर्जन है, वहीं से हम म्यूज़ियम विजिट कर सकते हैं। अब देखो जब दिन शुरू होता है क्या सोच के करते हैं, मतलब एक दिन पहले कैसे प्लानिंग कर रहे होते हैं, रियल में कैसे कैसे वो चेंज होता रहता है। वैसे भी आज ना थोड़ा मैंने एग्रेसिव टूर प्लान कर लिया था, और इसके बीच में तो मैंने ये भी सोचा था झांसी में हम लंच कर लेंगे, तो अभी झांसी का तो मैं जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि वो छोड़कर ही टाइम मैनेज शायद आसान नहीं होगा कर पाना। चलो खैर एनीवेज अभी 5 मिनट लगा के मैं परांठे का टेस्ट इंजॉय कर लेता हूँ, और यहाँ से हम चलते हैं ऑन रूट टू महाराजा छत्रसाल म्यूजियम। हम महाराजा छत्रसाल म्यूजियम पहुंच चुके हैं। इस जगह को दुबेला बोलते हैं। ₹20 पर पर्सन एंट्री टिकट है। राजा छत्रसाल का ये दरबार हॉल है। इस तरफ को जैन गैलरी है, जैन तीर्थंकर जो भगवान हैं उनकी यहाँ पर कुछ प्राचीन मूर्तियाँ। देखिए लक्ष्मी नारायण भगवान का मूर्ति है, नीचे लिखा हुआ है 11th century, बहुत पुराने स्कल्पचर्स हैं। अभी हम शिव गैलरी में आए हैं, तो एंटर करते ही मैं माँ सरस्वती की आपको 11th century की मूर्ति दिखा रहा हूँ। इन्होंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है ये कहाँ से मिली है, दुबेला। अभी हम दुबेला में ही हैं। उमा महेश्वर कलाकृतियों को हाथ ना लगाएं, कितनी खूबसूरत मूर्तियाँ बनाई हैं, ऊपर से थोड़ी सी खंडित है। 64 योगिनी जो देवियाँ हैं उनमें से एक देवी ये हैं, इनकी देखिए 10th century की मूर्ति है, रीवा से ये मिली है। बनाने वाले की क्या कलाकारी है, क्या आर्टवर्क है, कितनी पुरानी बात है ना 10th century। चक्रेश्वरी ये भी 64 योगिनी देवियों में से एक है। श्री भानवा, तो यहां पर कलेक्शन काफी अच्छी है। 64 योगिनी देवियों को ना तंत्र से भी जोड़कर देखा जाता है। 10th century की आप मूर्ति देखो, कितना बारीक काम किया गया है, कैसे कार्विंग करी गई स्टोन के ऊपर। आप मूर्ति देखिए, आई रियली विश कि मैं पूरी तरह से रीड कर पाता कि ये मूर्ति देखकर हम क्या समझ पा रहे हैं, लेकिन बहुत बढ़िया, अद्भुत। आज से कुछ दिन पहले जब मैं गुजरी महल ग्वालियर गया था ना, वहाँ पर भी मैंने बहुत एंशंट स्कल्पचर्स देखे थे, तो मैंने गुजरी महल जब विजिट किया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पर भी आके हम बहुत पुरानी मूर्तियाँ देख रहे हैं, चीज़ें समझ आ रही हैं कि कैसे प्रिजर्व करके म्यूजियम में रखा गया कि टूरिस्ट आए देखें समझें, अति सुंदर। यहाँ पर ना देखिए एक ओपन गैलरी है, तो ये इनको भी इंडिविजुअली देखा जा सकता है। सेंटर में छत्रसाल महाराज का आप स्टैचू देखिए, बुंदेलखंड के ये बड़े फेमस राजा हुए हैं। यहाँ पर देखकर हमें समझ में आ रहा है, एक हाथ में भाला पकड़ते थे और एक हाथ में वो तलवार पकड़ते थे। इनके बारे में जो जानकारी मैं रखता हूँ, जब मैं वो उसके हिसाब से बताता हूँ, तो इनकी जो टोटल एज थी वो थी 82 ईयर्स, और अपने जीवन में इन्होंने 52 युद्ध लड़े हैं, और ऐसा कहते हैं एक भी युद्ध ये हारे नहीं अपने पूरी लाइफ में। सेंट्रल इंडिया में इनका बहुत दबदबा था। जब हम ओरछा में लाइट एंड साउंड शो देखने गए थे ना, तो वहाँ पर हमें इस बात के बारे में जानकारी मिली थी। और ऐसा भी कहते हैं इनको महाराज अधिराज की उपाधि से सम्मानित किया गया था, महाराज छत्रसाल बुंदेला, ब्यूटीफुल। चलिए अब हम ना सामने वाली गैलरी चल के विजिट करते हैं, फाइन आर्ट गैलरी, ललित कला। ये देखो जी कितना इंप्रेसिव स्कल्पचर है, और देखने से ऐसा लग रहा है कि सिंगल स्टोन में ही बना हुआ है पूरा। इधर से देखते हैं, उफ ऐसे ही लग रहा है मुझे तो, सिंगल स्टोन में है। और नीचे लिखा है सेना का प्रस्थान, विनाधर शिवा 12th century, महाराज छत्रसाल का ताम्रपत्र आप देखिए सामने, महाराज छत्रसाल का अंगरखा, ये उनके ओरिजिनल कपड़े हैं उस समय के जो वो पहनते थे। मुझे किसी ने बताया था
कि जब आप म्यूजियम विजिट करेंगे ना, मतलब ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पर आपको मस्तानी के बचपन के कपड़े भी देखने को मिलेंगे। अब हम सामने की गैलरी में चलते हैं, पेंटिंग गैलरी। देखिए बहुत पुरानी पेंटिंग्स हैं यहाँ पर। जिस समय ये म्यूजियम बन रहा था उस समय रीवा स्टेट से ये पेंटिंग्स प्राप्त हुई। तो रीवा जब पहले स्टेट था तो वहाँ के जो राजा थे उनके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, वो कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक उनका राज रहा। सामने देखिए महाराजा छत्रसाल की पेंटिंग। म्यूजियम की मैं एक और गैलरी में आया हूँ। यहाँ ना पुराने हथियार हमको देखने को मिल रहे हैं, इधर तरफ इस तरफ तो तलवारें हैं और यहाँ पर ये गन देख रहे हो आप, ऐसा यहाँ पे लिखा है गन ऑफ एम्परर आदिल शाह और डिस्क्रिप्शन में लिखा है वन ऑफ द ओल्डेस्ट गन्स ऑफ इंडिया। ये देखो 16-17 सेंचुरी के भाले फरसा। ओ ये गन देखो आप, क्या साइज है इसका, जबरदस्त। ऐसी ये गन ना मैंने उदयपुर में सिटी पैलेस म्यूजियम में भी देखी थी, उसका भी ऑलमोस्ट सिमिलर साइज था, ह्यूज ह्यूज। ये गन तो देखने से भी राइफल जो है ये तो देखने से भी ऐसे मालूम हो रहा है काफी भारी होगी। यहाँ पर ना कुछ डिस्टेंसेस भी सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं और वो कितना कितना दूर है इस जगह से। सही है, हमने म्यूजियम विजिट कर लिया। तो मेरी राय में कभी आप खजुराहो की तरफ आओ तो आप भी कुछ ऐसी आइटनरी बना सकते हो कि खजुराहो से आप भीमकुंड चले जाएं और रिटर्न में छत्रसाल म्यूजियम होते हुए ग्वालियर तो लंबा पड़ेगा जाना, लेकिन ओरछा जा सकते हैं या रिवर्स में आ सकते हैं क्योंकि ग्वालियर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा एक डे जर्नी के हिसाब से। चलिए हमारी गाड़ी रेडी है, अब यहाँ से हम चलते हैं। हम पे तामरी पीठ पहुंच चुके हैं। तो अभी क्या है, अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है ऐसा मुझे किसी ने बताया, तो मैं अंदर जाता हूँ, दर्शन करता हूँ और बाहर आके आपको स्थान के महत्व के बारे में जानकारी देता हूँ। मंदिर के अंदर जाके अभी हमने माँ बगलामुखी के दर्शन करें। आज देखिए वीकडे है तो अंदर श्रद्धालु बहुत कम थे, तो दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हुए। मुझे ध्यान में है सैटरडे के समय मैंने जिक्र किया बहुत भीड़ यहाँ पे रहती है। तो माँ बगलामुखी को माँ पीताम्बरा देवी क्या के भी बुलाया जाता है। इनको पीले फल होते हैं ना, जो पीले फल या पीली मिठाइयाँ उनका भोग लगता है, जैसे बेसन के लड्डू बूंदी के लड्डू। मंदिर परिसर में ही माँ धूमावती का भी मंदिर है, वहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जब आते हैं तो उनको टाइम पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैटरडे को सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, कुछ ऐसा टाइम है 7:15 से 9 और सैटरडे शाम को 6 से 8। और डेली बेसिस पे आरती के समय माँ धूमावती का मंदिर ओपन रहता है 8 बजे मॉर्निंग, 8 बजे इवनिंग। तो इस समय हमने माँ धूमावती के दर्शन नहीं करे लेकिन हमने माँ पीताम्बरा देवी के दर्शन करे। ये स्थान बहुत पॉपुलर है, मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि बोलने में रोज की बोल भाषा में हम लोग या डेली बेसिस की भाषा में हम ऐसा बोल देते हैं कि शक्तिपीठ है, लेकिन जो 52 शक्तिपीठ हैं उनमें से शक्तिपीठ नहीं है, लेकिन आप ऐसा समझिए कि 10 महाविद्याएं हैं जिनकी देवी हैं, उनमें से 2 महाविद्या की देवी यहाँ पे विराजमान है। तो जितनी जानकारी मेरे पास थी मैंने आपके साथ शेयर करी। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं, स्पेशली आप खजुराहो जा रहे हैं, ओरछा जा रहे हैं, तो आपको मेन रोड से मुश्किल से 2.5 किलोमीटर का डायवर्जन लेना है, तो आप यहाँ पर आइए, माँ के दर्शन करिए। और एक बहुत ख़ास बात यह है जो मुझे पिछले 5-6 दिनों में 8 से 10 लोगों ने बताया कि अगर आपके मन में कुछ ऐसी बात है जो आप मांगना चाहते हो और आप चाहते हैं वो बात पूरी हो जाए और रीज़नेबल वो बात है, तो आप यहाँ अगर सच्चे मन से वो बात मांगिए और आपकी बात कर रखिए और आपकी वो बात पूरी होने के पूरे चांसेस हैं। बाहर ना यहाँ प्रसाद काउंटर है, मैं यहाँ से प्रसाद ले लेता हूँ, मैं घर ले जाऊँगा। अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि 3:40 की हमारी ट्रेन है, 3:20-3:25 तक हम रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे। तो आज का ये एपिसोड मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, हमारी पूरी सीरीज़ भी यहीं पर एंड हो रही है। आगे कहाँ जाना है इस मोमेंट तक मैंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में 1-2 हफ्तों में मैं सोचता हूँ कि नेक्स्ट टूर कहाँ का प्लान करना है, राइट? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरी सीरीज़ आपने इन्जॉय करी होगी और आज का दिन भी हमारे लिए काफ़ी
अच्छा रहा, राइट? अभी मैं आपको यहीं पे बाय बाय कर रहा हूँ. थैंक्स फॉर योर टाइम.